कुछ अजीब सा आग जैसा निकलता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था हम लोग को शूटिंग देख के। हम लोग जब वो दिनेश लाल यादव की सिपाही बनी थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी गई थी, जैसा कि पवन सिंह की यहाँ से एंट्री हुई थी, बहुत ज़बरदस्त एंट्री हुई थी। तो हम लोग यहाँ लोरपुर का किले पे आ गए हैं। जैसा कि कई बार कई कमेंट में हम लोग को वीडियो को कई कमेंट में मिला था कि सर लोरपुर का किला का वीडियो बनाइए, तो हम लोग आए हुए हैं और उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं एक ही तरफ से। तो आए हुए हैं, चलिए अंदर की दृश्य जो है दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा था किला, वहाँ मकरई का किला, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे लोग, कई लोग देखे हैं। और सर जो है ये यहाँ की देख रेख करते हैं इस किले का, और ये भाई जो हैं यहीं के रहने वाले हैं, तो ये हमारे साथ जो है गाइडर हैं, तो इसके बारे में और साथ में बताते हैं। चलो आइए अंदर चलते हैं। चलिए भैया आइए, चाचा आइए, चलिए। तो अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ का दृश्य जो वीडियो का देख सकते हैं, देखिए कितना आकर्षक और कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो? अगर दोस्तों ये किला आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों चलते हैं आगे, आगे की तरफ दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए काफ़ी पुराना और जर्जरा हो गया है वीडियो बंगला, देख लीजिए आप लोग, तो काफ़ी पुराना भी है, जिसे कुछ टूटी फूटी हैं, जैसे दरवाजे आप लोग देख सकते हैं, दरवाजे भी टूटी हुई हैं यहाँ, और लगभग 3 से 4 फुट ऊंची बनाई गई हैं, देख लीजिए। अगर जैसे आजकल की ज़मीनें जितनी बनाई गई हैं लगभग सब नीचे, लेकिन ये देखिए एकदम 3 से 4 फुट अभी भी सभी घरों से, यहाँ के आस पास जितने घर हैं पक्के हैं, और इसे 4-5 फुट एक्स्ट्रा बनाए गए। तो यहाँ भाई साहब हमारे जो गाइडर हैं, इसे किले के बारे में इनसे पूछते हैं कि इनके बारे में ये जानते क्या। सर तो यहाँ सर से नाम पूछते हैं, सर आपका नाम क्या? जी मेरा नाम दिलबर हुसैन है। मैं यहाँ लोरपुर, मेरा घर है, और ये जो ये आप देख रहे हैं इसको इमाम बारगाह कहते हैं। इस लोरपुर ताजन का सबसे माना जाना इमाम बारगाह है, इसमें मजलिस होती हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है इस कोठी के मालिक यहाँ पर रहते हैं, सैयद बादशाह हुसैन। और ये हमारे जो चचा वहाँ दिख रहे हैं, ये इस रेख देख में रहते हैं, इनकी जो है इस रेख देख में कोई कमी नहीं रहती है। और आप देख सकते हैं ये सामने वाली जो कोठी है, ये पहले स्कूल रहा करता था, अब गोदाउन बन गया है खादों का। जी जी, अच्छा ये बताइए जो ये, धन्यवाद आपको सब ये बताने के लिए। सैयद हुसैन जी इसके जो है मतलब इस समय जो अध्यक्ष, मतलब कह सकते हैं मालिक हैं। जी जी जी। ठीक है, तो आप भैया ये बताइए कि इनके जो आगे आने वाले जो वंश है, इस समय मालिक है जो इसके, तो उनके इस समय जीवित हैं या फिर ये उन्हीं की केवल उन्हीं का हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो उनके जीवित हैं। तो वो जो है सैयद बादशाह हुसैन, सैयद शहनशाह हुसैन, वो उनके मतलब पुत्र हैं। कभी आते होते हैं? आते हैं, मुहर्रम वगैरह में आते हैं, 12-13 दिन रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक ठीक, बाकी रेख देख वो हमारे चाचा जो हैं आप देख सकते हैं वही करते हैं। ठीक है, आइए चाचा से भी मिला देते हैं जो देख रेख करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए भैया ने बताया कि सैयद हुसैन जी जो और इनके वंश जो लखनऊ में अमीना में रहते हैं और अमीनाबाद में रहते हैं। आइए चाचा से भी कुछ पूछ लिया जाए कि चाचा जी अपना नाम बता दीजिए। सर आप सीताराम? सीताराम चाचा जी का नाम है। तो चाचा ये बताइए आप जो देख रेख करते हैं, आप मतलब को देख रेख करने के लिए किया गया है सब? जी जी, अकेले आपको कुछ, जैसे इतना बड़ा किला आप अकेले कैसे देख लेते हैं, इसमें आपको कुछ दिक्कत डर से नहीं लगता? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले चले मतलब हमें तो यहाँ आने के बाद जैसा ऐसा इतना महसूस हुआ कि इतना बड़ा महल और अकेले देखने में जैसे डर सी महसूस होती है। जी, और आप अकेले कैसे देख रेख करते हैं, साफ सफाइयाँ भी करते होंगे सब कुछ? जी जी जी। तो आप अकेले मतलब कैसा महसूस होता है? सब हमको कोई नहीं पता चलता। अच्छा अच्छा, यहाँ कोई चीज़ का हमको मतलब खतरा नहीं लगता। जी चलिए ठीक है। जैसे आप इसका देख रेख करते तो यहाँ काफ़ी दूर दूर के लोग भी आते होंगे? जी 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 जी, काफ़ी दूर दूर के आते हैं। आप मतलब पवन का क्या नाम था जो इसका पिक्चर बना है, बहलोल दाना बना है? प्रीत बंधन? नहीं, बहलोल दाना। अच्छा बहलोल दाना, यहाँ पिक्चर बना है। अच्छा यहाँ? जी। अच्छा क्या जैसे आप वो मकरई कोठी जानते हैं, असवर की कोठी जानते हैं? नाम सुनते हैं, देखा नहीं। सुने क्या इनसे उनसे कुछ संबंधित थे? नहीं। लगभग कितनी पुरानी होगी? 600 वर्ष। 600 वर्ष पुरानी ये कोठी ऐसे बनी हुई है? 600 वर्ष से? जी जी। किस चीज़ का बना होगा लगभग? वही चूना है, चूना ईटा। अच्छा, और चूने गुड़ से? जी, जी। तो मतलब प्राचीन समय में लोग वही चूने गुड़ से बनाया करते थे ज़्यादातर? तो जैसे चूना गुड़ बेल मेथी। अच्छा लगभग कितने फैली होगी ये? 20 बीघा में है सब जंगल। 20 बीघा फैली हुई है? जी। तो जैसे कि आप पीछे जा सकते हैं हम लोग? जी जी बिल्कुल, ये रानी महल है सामने।
क्या कौन सा महल है? रानी महल ही सामने है। अच्छा ये रानी महल है, मतलब बे उनकी बेगम का महल है। जी जी। अच्छा तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे दिलवर भाई चाचा जी ने बताया, और यहाँ जो राजा होते हैं अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, उनके लिए एक स्पेशल बाग होते हैं, स्पेशल बाग होते हैं, और उस बाग में राजा अपना मॉर्निंग वॉकिंग भी कर सकते हैं, कुआं भी रहता है जिससे वो पानियाँ निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस तरफ, और यहाँ आप लोग जीना देख रहे हैं, जो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा बना हुआ है जीना। तो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि चाचा ने बताया कि चाबी नहीं है, और हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं जहाँ सही उनका महल है। ये इनका इस तरफ महल है, इस तरफ बादशाह जी रहते थे। आप देख सकते हैं इनके महल का मुख्य द्वार, और लकड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी मोटी हुई लकड़ियाँ हैं, मोटी हैं आप देख सकते हैं यहाँ। और ये रहा पीछे, आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं हमारे यहाँ, और यहाँ सैयद बादशाह हुसैन रहते थे। हमारे साथ दिलवर भाई जो वो बताएंगे, आइए दिलवर भाई बताइए कुछ पीछे का दृश्य नज़ारा। जी ये जो है रहते हैं यहाँ सैयद बादशाह हुसैन रहते हैं, यहाँ उनकी फैमिली रहती है, मतलब जो उनके वंश है जो। और ये सामने देख सकते हैं आप रानी महल, यहाँ पर रानी महल, ये यहाँ रानी रहती हैं, ये जो उनके आते हैं ये मुहर्रम में ही आते हैं, 12 दिन कंटिन्यू ये खुला रहता है। ये देख सकते हैं आप झाड़ियों, यहाँ ये झाड़ी जो दिख रही है साफ़ सफाई हो जाती है मुहर्रम वगैरह में, तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। ये गार्डन है उनका, छोटा सा गार्डन, और उनकी बड़ी बाग भी है जिसे फुलवरिया कहते हैं, वो बहुत ही दूर है यहाँ से, काफ़ी लंबा समय लगेगा जाने में। ये देख सकते हैं आप सब्जियाँ कुछ बोई हुई हैं यहाँ पर, जैसा कि प्याज वगैरह है, और सब अमरूद है, लीची है, काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छा लगता है। और हमारे जो दर्शक सपोर्टर इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं धन्यवाद कहता हूँ, और जुड़े रहिए आप। अब ये देख सकते हैं छोटा सा, यहाँ पर जैसे टहलना हो गया खाने के बाद, तो यहाँ पर आते थे राजा और टहलते थे, उनकी पत्नी आती थी, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ, तो आप बता सकते हैं कौन सी फिल्मों की शूटिंग हुई है? जैसे कि मेरे जानते भर में, मतलब जब से मैं होश संभाला हूँ, तो यहाँ पर एक बहलोल दाना जो मूवी बनी थी यहाँ पे बनी है, उसके बाद एक भोजपुरी मूवी जो बनी थी वो क्या नाम है पवन सिंह, तो जैसा कि हम बता दें एक और मूवी बनी थी वो दिनेश लाल यादव की सिपाही बनी थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी गई थी। जैसा कि पवन सिंह की यहाँ से एंट्री हुई थी, बहुत ज़बरदस्त एंट्री हुई थी, और बेहतरीन, मतलब जैसा कि कहते हैं कि जैसा शूटिंग होती है उस तरह शूटिंग होती है, जैसा कि बताते हैं इस तरफ यहाँ से इस जगह से इस कुछ अजीब सा आग जैसा निकलता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था हम लोग को शूटिंग देख के। हम लोग जब से शूटिंग देखे हैं बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत पसंद हुई, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे गांव में ही जो है तो शूटिंग होती है। अगर हम लोग शूटिंग देखने के बाद अजीब सा लगा कि यार पिक्चरों में ऐसा ही होता है। और सामने ये देखिए बाग, और ये देखिए रानी महल है, रानी महल बहुत ही पुराना, और इसकी लकड़ियाँ साखू की लकड़ियाँ देख सकते हैं। जैसा कि मैं खुद फर्नीचर का कारपेंटर हूँ जिसको बढ़ई कहते हैं, देख सकते हैं कितने इंच में, तकरीबन ये 18 इंच है इतनी मोटाई इसकी, और लगभग कुछ नहीं तो मान लीजिए 8 इंच इसकी जो है चौड़ाई है, और दरवाज़ा बहुत ही हाइट इसकी जो है कम से कम 8 फीट है, 9 फीट से तकरीबन है, और पूरी लकड़ी लेके कम से कम कुछ नहीं तो 15 फीट होगी टोटल, और इसकी जो चौड़ान है इसकी चौड़ान कम से कम 6 फीट है। बहुत ही पुराना ये महल है, रानी महल जिसे कहते हैं दोस्तों जो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और फुल वॉच करें, कमेंट करें, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारे दिलवर और दिलवर भाई और चाचा जी जो हमारे साथ दिखाए इस महल को, तो पहले मैं इनका धन्यवाद चाहता हूँ कि यहाँ आए थे तो महल जो है का गेट, मेन गेट जो दरवाज़ा बंद था, तो हम लोग चाचा से कहें कि हम लोग जो जो बताते हैं जो करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं ऐतिहासिक चीज़ें, तो आए दिखाएं। तो अगर दोस्तों इतना मेहनत किए आप लोगों को तो एक लाइक तो बनता है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो शुरू से अंत तक तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों शेयर जरूर करिएगा अंबेडकर नगर के इतिहास के बारे में, और जानने के लिए जुड़ रही है हमारे चैनल माई अंबेडकर नगर पे। और हाँ दोस्तों बेल आइकन घंटी बजाना मत भूलिएगा, जैसे दोस्तों और अदर भी और हिस्टोरिकल चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, जिसे जो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पे पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे जो गाइडर दिलवर भाई हैं जो बताएं आप लोगों को इस
कोठी के बारे में, ये इनके बारे में बताएं। ये एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं जो साथ साथ, मतलब आप देखिए, आपने वीडियो में देखा कि ये दरवाजे को देखकर उसकी साइज, उसकी हाइट, उसकी चौड़ाई, लंबाई सब कुछ एक नज़र से देख करके बता दिए। और नापा जाए तो आप लोगों को गूगल में इसके बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ के दरवाजे जो है सब कुछ बताया गया है एकदम सेम टू सेम, वो सब बताया गया है। तो हमारे दिलवर भाई ने सब कुछ देख करके, अच्छे एक कारीगर भी हैं कारपेंटर के, और साथ में इनका एक यूट्यूब चैनल भी चलता है जो हमारे है, तो ये बताएंगे भाई अपना यूट्यूब चैनल का नाम। जी भैया, एम आर प्रोडक्शन ताजन भाई, भाई का चैनल का नाम है एम आर प्रोडक्शन लोरपुर ताजन एम आर प्रोडक्शन लोरपुर ताजन भाई का चैनल का नाम है। तो भाई इनको भी थोड़ा लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो हाँ, तो दोस्तों इनके वीडियो का लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, जो जाइएगा जरूर डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों। जी धन्यवाद।